नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनता जनार्दन चैनल में। और इस वक्त हम मौजूद है देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत। ये बांध रोड है और बांध रोड के बिल्कुल ये जब आप आएंगे सैनिक फार्म की तरफ से तो आपको ये दिखाई देगा, ये जीता जाता नर्क जिसको कहते हैं। कलयुग में अगर आपने नर्क नहीं देखा है तो न्योता है आपको, निमंत्रण है आपको, अभिनंदन है आपको, स्वागत है आपका। और आप आइए देखिए ये सैनिक फार्म में, ये जो लोकेशन में बता रहा हूँ, आप लोग आइए और आके देखिए किस प्रकार से ये कूड़े का अंबार यहाँ पे लगा हुआ है। और ये आज से नहीं, ना जाने 2 साल 3 साल हो गया है। पहले तो काफ़ी छोटे मात्रा में हुआ करता था। मैं लोकेशन आपको दिखा देता हूँ, ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं, ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं ये बीच में, यहाँ पर छोटे पैमाने में कभी कूड़ा डलता था। और आज की डेट में अगर आप देखें लगभग आधा किलोमीटर तक ये एरिया फैल चुका है। ये आप देख सकते हैं ये रास्ता जा रहा है। और इस परिस्थिति को आप अगर देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि संगम विहार में एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिसको आने वाले समय में ना जाने इसका कैसे सॉल्यूशन होगा। ये जो प्रॉब्लम आके उभर के खड़ी हो रही है, और ये कूड़ा आपको पता है बगल में, ये आप रेसिडेंशियल ये देख सकते हैं, ये घर है, सब रेसिडेंशियल एरिया है ये बांध रोड के जस्ट नीचे ही। और तमाम बीमारियां आए दिन लोगों को परेशानी होती है। ये तो मैं खाली जस्ट विजुअल अभी बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ कि ये स्थिति क्या है अभी। तो आने वाले समय में मैं कोशिश करूँगा कि ये लाइव रिपोर्ट बनाने की, और लाइव रिपोर्ट मैं बनाऊँगा आने वाले समय में। ये जस्ट एक झलकी दिखा रहा हूँ मैं सभी के लिए, जितने भी संगम विहार और देवली विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे तमाम जितने भी लोग हैं सब इसमें आए और देखें एक बार स्थिति को क्या होता है। ये देख सकते हैं आप रेजिडेंशियल एरिया है, और ये जो है ये संगम विहार बांध रोड में ये स्थिति है। तो आप ये देख सकते हैं कितना लंबा एरिया जो है ये यहाँ तक पूरा फैल रखा है। ये देख सकते हैं आप, ये परिस्थिति वाकई ही शर्मसार कर देने वाली स्थिति है। और राष्ट्रीय राजनीति में तमाम हमारे जितने भी दिग्गज नेता देवली विधानसभा 47 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजनीति में सब व्यस्त हैं। इलेक्शन भी ख़त्म हो गया, अब ये मुद्दा जो है बहुत गंभीर रूप लेने वाला है। मैं पहले से बता रहा हूँ, अगर ये वीडियो देखने के बाद और ये न्यूज़ देखने के बाद लोगों को, खासकर जनता जनार्दन को, संगम बिहार की जनता जनार्दन आज की डेट में इस परिस्थिति का सामना करते हुए आप ये देख सकते हैं, तो गुजारिश है सभी नेताओं को कि आप लोग ये जो मुहिम को आने वाले समय में किस तरीके से जल्द इसका समाधान हो, कृपा करके सभी बढ़ चढ़ के इस मुहिम में हिस्सा लें और ये जो स्थिति को सुधारें। नहीं तो आने वाले समय में संगम विहार में वोट मांगने के लिए इस परिस्थिति का सामना करना पड़ेगा, वो समय बताएगा और संगम विहार की जनता बताएगी कि आप जो वोट मांगने के लिए आए हैं, क्या ये दिन देखने के लिए, क्या ये परिस्थिति देखने के लिए? ये संगम विहार को नर्क, एक नर्क जैसी व्यवस्था हो रखी है। आप देख सकते हैं साफ तौर पर, कोई भी संगम विहार में एंटर करेगा ये स्थिति जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो आप लोग को गुजारिश है, मैं दोबारा से कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, तमाम जितनी पार्टी हैं, ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पर ये सब कूड़ा फैल रखा है। आप ये देख सकते हैं कहीं पर भी नज़र देंगे बिल्कुल ये संगम विहार बांध रोड है, और ये बांध रोड से जब एंटर करेंगे वहाँ पे संगम विहार को आप जा पाएंगे। तो दीजिए इजाज़त और फिर आने वाले समय में इस रिपोर्ट को हम सभी को दिखाने की कोशिश करेंगे और इस मुहिम को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं बहुत सारे लोग इसमें आएंगे, बहुत सारे नेता भी आएंगे, बहुत सारे NGOs भी आएंगे, बहुत सारे चैनल भी आएंगे और बहुत सारे न्यूज़पेपर में हम ये पब्लिश करने की कोशिश करेंगे। दीजिए इजाज़त और जुड़े रहिए जनता जनार्दन के साथ, मिलते हैं फिर नए रिपोर्ट के साथ ही। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।